मिशन के साथ। जरूरी नहीं है कि आप मंत्र पढ़ें, जरूरी नहीं है कि आप किताबें बड़ी बड़ी पढ़ें पंडित की तरह, बिल्कुल जरूरी नहीं। एक भाव के साथ, एक प्यार के साथ, दिन में कोई भी टाइम जिसमें भी आप फ्री महसूस करें, परमात्मा के साथ बैठ के बात करें, आंख बंद करके हाथ जोड़ के अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करें, बहुत जल्दी कनेक्शन हो जाएगा। कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम ये सोच के प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये दुख दूर हो जाए या मेरी ये विश पूरी हो जाए। अरे आप अगर अपने आप को परमात्मा के साथ सिर्फ जोड़ ही देंगे, उसको तो सब पता है। परमात्मा से जुड़ना अपने आप ही दुखों का अंत है। दिन में एक बार जरूर ऐसा होना चाहिए। मेडिटेशन का कोई भी रूप हो सकता है, जरूरी नहीं है आंख बंद करके बैठ जाओ। बहाओ कि मुझे परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करना है। इस समय कुछ भी आपने नहीं सोचना, और अगर कुछ थॉट्स आ रहे हैं तो अटेंशन नहीं देना। और ये हाथ जोड़ना, ये नमस्ते जैसा, ये बहुत बड़ी मुद्रा है। मन वैसे ही शांत हो जाता है जब ये हाथ, पंच तत्व है हमारे हाथों में, एक दिन हम इसी में विलीन हो जाएंगे। अब जब ये यूनिफिकेशन में आते हैं, हमारा ब्रेन का एक सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है जिससे शांति आती है। ये खाली प्रार्थना का सिंबल नहीं है, ये साइंटिफिक भी है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो मन में शांति आती है। ऐसा करने के बाद हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ेंगे। और दूसरी चीज बहुत सुंदर जो हम अभी करेंगे, जब भी आप कभी कहीं फंक्शन में जाते हैं, घर में अगर पूजा पाठ होता है तो हम भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, तो हम लोग को ताली बजाने का अवसर मिलता है। भजन में ताली बजाते हैं ना कभी कभी, है ना, खूब जम के बजाना चाहिए। आपको पता है आपके ऑरा में जितनी नेगेटिविटी है, आपके अंदर एनर्जी है ना सब, ये क्या है, हमने ये तो समझा ना, ये एनर्जी है। नेगेटिव नेगेटिव को खत्म नहीं कर रहे हैं, डिजीज को खत्म नहीं कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर तरीका है ताली बजाना। कभी भी मौका, आप देखिए कितने प्रोग्राम्स अटेंड करते हो और लोग बोलते हैं स्टेज से ताली बजाइए, खुल के आपने बजाई नहीं है। स्कूल में जाते हो, बच्चों के फंक्शन अटेंड करते हो, भरी भरी से ताली बजाते हो। ऐसी ताली नहीं, अपने लिए बजाया करिए, किसी के लिए नहीं। स्टेज में जिसने किया वो तो छोड़ दीजिए, किसके लिए बजाओ, अपने लिए बजाना है। कि एक अपने आप में ही बहुत बड़ा ये ऑरा जिसको बोलते हैं क्लीन ऑरा, पूरा नेगेटिव फक फक फक, ताली बजाने से क्या होता है, वो भी स्माइल के साथ, स्माइल के साथ, बड़ा बड़ा। इसलिए कहते हैं ना दिवाली आ रही है तो घर में स्माइल, भजन कीर्तन पाठ, क्या है ये सारा, फैक्चुअल चेंज करना, एनर्जी चेंज करना। जिस घर में बहुत कला कलेश की बातें होती हैं, हर दिन आप एनर्जी छोड़ रहे हो ना कंटेनर में, रोज रोने की बात, कलह की बात, मैं बीमार हूँ, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, हर दिन बीमारी, कला कलेश, बच्चों का ये निंदा कि मेरा बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं, मेरे साथ ऐसा होगा। जिस घर में इस तरह की रामायण चलती है, जिस घर में इस तरह के मंत्रा चलते हैं, वहां पे लक्ष्मी नहीं आती, वहां पर प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, वहां पर गुड हेल्थ भी नहीं आती। चेंज करो, अपने घर को इतना सुंदर बना दो। मैं वस्तुओं से सुंदर नहीं बोल रही हूँ, वस्तुएं तो अपने आ जाएगी सुंदर, आत्मा से एनर्जी लेवल अपने घर का इतना सुंदर कर दो कि वहां जो भी आए। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप किसी के घर में जाते हैं, आप बोलते हो मुझे पता नहीं वहां जाके अच्छा नहीं लगा, या किसी इंसान से मिलते हो वो ऊपर से तो हंस रहा था लेकिन इसको मिलके अच्छा नहीं लगा, ऐसा होता है। कभी कमरे में आप बैठ के बातें कर रहे हो, हंस रहे हो, और फिर कोई ऐसा इंसान अंदर आ जाता है, ठप हो जाते हो, मतलब एनर्जी का गेम है। अगर हम ये बात समझ जाए तो हम हर पल अलर्ट है कि मैं अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए क्या करूं। अभी हम करें,